हेलो गाइस, वेलकम टू बैक ब्रांड एंड न्यू ब्लॉग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. तो यार आज आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ अपनी स्टोरी। महीनों के बाद मेरा जो व्लॉग आ रहा है, क्यों आ रहा है यार, थोड़ी सी एमरजेंसी हो गई थी। फर्स्ट एमरजेंसी ये थी कि यार मेरा जो है ना लैपटॉप जो है ना वो बस कैद हो गया, बस ख़त्म हो गया, चारा वो टूट गया, जिसकी वजह से जो है मेरे व्लॉग नहीं आ सके। तो आज मैंने उसको सही वगैरह करवाया और आज मैंने कहा कि तुम लोगों को मैं जो है ना अपनी स्टोरी बताऊँ, किस वजह से मेरे व्लॉग आ रहे थे, किस वजह से लेट था, क्यों डिले किए थे मैंने व्लॉग, आज ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मेरा लैपटॉप जो है ठीक हो गया। अब जो है मेन एडिटिंग थी जिस पे ऊपर वो करनी थी, लैपटॉप भी ख़राब हो गया तो एडिटिंग किसे करेंगे, फ़ोन से तो एडिटिंग होती नहीं है। फ़ोन से होती है बट वो कहते हैं ना एक प्रो बंदा जो करता है वो अक्सर जो है ना लैपटॉप से ही एडिटिंग सही होती है, मोबाइल से बहुत टाइम लगता है। वैसे भी आपकी जो है ना आँखें बस कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। लैपटॉप में ये होता है कि उसका जो है ना डिस्प्ले बड़ा होता है, जिसकी वजह से एडिटिंग जो है ईजिली कर लेते हैं। तो यार सेकंड स्टेप ये था कि मैंने जो है ना अपना फ़ोन अपग्रेड करना था, जो मैंने जो अपना जो है नया फ़ोन लिया है, अब मैं उसमें डेली ब्लॉगिंग बनाया करूँगा। आज इसी वजह से मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि यार किसकी वजह से मैं जो है ना ब्लॉग नहीं बना सका, क्यों नहीं बनाए मैंने ब्लॉग, किस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ सके, आज मैं आपको ये बताऊँगा। तो यार जिसने मेरे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ सके। और मैं इंस्टाग्राम में भी अपनी जो है गाड़ी की रील्स वगैरह डालता हूँ। तुम लोगों ने गाड़ी की लुक नहीं देखी थी, अब गाड़ी तो अभी गई है क्योंकि बाबा लेके गए हैं, बाइक भी जो है ना करनी है। तो इस वजह से मैं सोचा कि आज मैं जो है ना अपनी स्टोरी बताता हूँ, वेलकम बैक करता हूँ अपना, किस वजह से मैं जो है व्लॉग नहीं बना सका। तो यार मेरा जो आखिरी व्लॉग जो था ना वो था ये जो है मैंने बनाया था, ये 3 मंथ वाला, बस ये जो है ना कुर्बानी डन, ये रहा व्लॉग बनाया था। और इसके बाद जो है ना भाई जान टाइम नहीं मिला और उससे लैपटॉप टूट गया और मैंने जो है ना फ़ोन अपग्रेड करना था, ऐसे ही सिलसिलों में चलते चलते ना जो है ना टाइम वेस्ट हो गया। और मैंने सोचा कि यार तुमने रील्स मैंने डालता रहा था, मैंने रील्स डाली नहीं अपनी जो है ना गाड़ी के ना नीचे रील्स मैंने डाली थी। व्लॉग व्लॉग होता है यार, माजरत इस वजह से व्लॉग नहीं आया। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो किया वो भी जल्दी से आगे फॉलो कर लें, मैंने उसके ऊपर रील्स डालना शुरू किए हैं गाड़ी की, और माशाल्लाह से वो भी पेज अच्छा चल रहा है, उसमें जाके मुझे जो है फॉलो करें आप। और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। अभी हमारे 1.18 के जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं, हमने इंशाल्लाह ताला 5K सब्सक्राइबर करने हैं, फिर हम एक वेलकम पार्टी रखेंगे 5K सब्सक्राइबर में अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सब के लिए जो है ना हम एक पार्टी रखेंगे अच्छी सी, और वो भी ब्लॉग बहुत मज़े का होगा। तो यार अभी तो मैं घर में हूँ क्योंकि मैंने आज किधर नहीं जाना था, अभी मैं जो है ना फ्री था क्योंकि जो है ना बाइक भी गई है और ऊपर से जो है ना गाड़ी भी गई है, बिल्ला जो है ना लेके गया हुआ, तो घर में ना बाइक है ना गाड़ी है। इस वजह से आप मैं सोचा कि वेलकम बैक तुम लोगों के साथ मैं करता हूँ, किस वजह से मैं व्लॉग में नहीं आ सका, किस वजह से मेरे व्लॉग जो है लेट हो गए हैं, आज यही मसला था, आज यही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो यार अभी देखते हैं, बाहर जाते हैं ऐसे फिरते हैं, अभी तो मैं उठाऊँ बैठ के थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, तो बाहर आ गया तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को बताते हैं अपनी स्टोरी। तो अभी बाहर जाके देखते हैं क्या हालात है, कैसे मौसम है, मुझे तो क्या से मौसम बड़ा बेस्ट हो गया बाहर, अब तो ये थोड़े से रह गए हैं 10-12 दिन रह गए हैं, मौसम बेस्ट हो रहेगा, अब सर्दियाँ आ जाएंगी, बाहर जाके देखते हैं क्या सीन है। और अब आप लोगों को जो फ़ोन मैं आपको दिखाऊँ, कौन सा दिखाया मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो फ़ोन लिया वो ये फ़ोन लिया है अपना, ठीक है ये मैंने फ़ोन लिया अपना, और जो है ना जिसकी वजह से मेरे जो ब्लॉग है ना वो लेट आ सके। पहले मेरे पास था 15 प्रो मैक्स था भाई का, ठीक है, और भाई का 15 प्रो मैक्स था, अब मेरे पास जो है ना अपना आ गया 14, तो इसमें मैं जो है ना व्लॉग बनाया करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। अभी जाते हैं बाहर और देखते हैं क्या मौसम है, वो भी आपके साथ। हमने यार एक नई अपना जो है ना तोते लिए हैं, वो दिखाते हैं, ये देखो वाइट कलर के, ये भी हमारे नए मेहमान करके, ये यार डरते बहुत हैं एक दूसरे के साथ, देखो मारते हैं, वो मारेगा दूसरा आएगा यहाँ से आएगा, इसको टच करो फिर मारते हैं, देखो चेक करो, चल चल चल, वो देखो तेरी फटा हो गया, वो फटा हो गया साले, तभी फटा हो गया। तो यार ये जो है ना लड़ते हैं बहुत है, तो ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, लड़ते हैं बहुत हैं और डरते भी बहुत हैं, ये वैसे बहुत लड़ते हैं, मेरा ख्याल है इसकी जो है ना, तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ है, मेरा ख्याल है इनका जो है ना ब्रेकअप करा दें। शाबाश बेटा, क्या कहते हो
इन्होंने कटी है, तेरी दूजी शादी कराई है। सीधे लड़ते हैं बहुत, एक दूसरे से भी लड़ते रहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है इस तरह लड़ता रहा, ये बोर्ड लड़ता है इसके साथ, ये ला ये देखना, फजूल लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अभी शेयर देखो, चेक करो, अभी इनका जो है ना दूसरी शादी कराता तुम लोगों की। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी दूसरी शादी होनी चाहिए या नहीं। मैं कहता हूँ करा लेते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट बॉक्स से कमेंट होंगे ना इसकी, भाई दूसरी शादी कराओ तोतों की, फिर मैं दूसरी शादी कराऊंगा तोतों की, क्या कहते हो तुम लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे इसकी जो है ना, इसका क्या इलाज किया जाए और इसकी दूसरी शादी करानी नहीं करानी चाहिए। तो देखो गौर से सुन रहा है, तेरी बात ही कर रहा हूँ मैं, तेरी में दूसरी शादी कराता हूँ। अगर तू अब दोबारा लड़ा ना, तेरी में शादी दूसरी कराऊंगा। अच्छा, तू हर किसी के साथ लड़ता है, वो ना लड़ता है इसके साथ, वो जो है ना लड़का ज़्यादा लड़ता है, इसकी जो है ना दूसरी शादी कराएंगे। कमेंट बॉक्स में तुम लोग मुझे बताना हो तेरी बच गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है तुम लोग इसकी हम दूसरी शादी कराएं या ना कराएं। मेरे ख्याल से करानी चाहिए क्योंकि लड़ते ये बहुत ज़्यादा है, इनकी जो है ना दूसरी शादी होनी चाहिए क्योंकि लड़ते बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के साथ। जो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा मैसेज होंगे हम उसकी मानेंगे और इसकी हम जो है ना दूसरी शादी कराएंगे। तो अभी यार हाँ हमने ना एक वेल लगा, चेक करो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बाहर से ही जो है ना इतनी सी है इसका जो है ना स्टिक जो है इतनी सी निकली है बाहर, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है ना ये लग गई है। अभी आपको मैं बाहर जाके दिखाता हूँ इसको। ओहो मौसम बहुत कितना बेस्ट हो गया यार, मौसम देखो कितना प्यारा हो गया, बादल देखो चेक करो। तो ये आप लोग दिखाता हूँ मैं, कितना परफ्यूम लगाई है, इतनी तेज परफ्यूम लगाई किसी ने। तो यार ये जो है छोटी सी जो है ना वेल निकली थी छोटी सी, इसने अब देखो कितना ज़्यादा जो है ना वो कवर कर लिया है सारी ग्रिल को, तो ये कलियां लगी हैं। तो यार इसी वजह से मेरा जो है ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि जो है ना मेरा जो है ना लैपटॉप भी बाई चांस ख़राब हो गया, उसकी जो स्क्रीन थी ना वही टूट गई। फिर उसके बाद मैं वैसे ही बहुत जो है ना एक बंदा कहता परेशानी में आ जाता है यार, क्या यार ब्लॉग बनाना, जब लैपटॉप भी टूट गया तो ब्लॉग उसके ऊपर एडिट कैसे करूँ, फ़ोन में करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। इस वजह से मैंने जो है ना एक और माजरा, क्योंकि मैं स्टोरी नहीं डाली किस वजह से मेरा जो है व्लॉग, इस वजह से मेरे मतलब कि मींस के मेरा इस वजह से व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि मेरा लैपटॉप टूटा, ये मैं स्टोरी नहीं डाली, मैं भूल गया था, उसके लिए मैं माजरा। तो अब कोई मसला नहीं यार, अब रेगुलर आएंगे, अब तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है मसला क्या था, किस वजह से जो है ना व्लॉगिंग थोड़ी सी लेट होगी। और जब ईद का दिन था ना उसके बाद आखिरी व्लॉग ईद का ही था, इसके बाद मैंने बनाने की कोशिश की बट यार वो जो है ना बस दिल नहीं माना, मैंने कहा खैर है यार अब जो है ना नेक्स्ट ब्लॉगिंग जो हम करेंगे ना, एक दफ़ा फ़ोन अपग्रेड करना था मैंने, मेरा शौक था कि फ़ोन लेना है, फिर इसके बाद जो है ना हम अपना ब्लॉग जो है ना कंटिन्यू है ना यार। लैपटॉप जो है वो तो हो गया ठीक, अब कोई मसला नहीं, अब तो जो है ना एडिटिंग हम उसके ऊपर ही किया करेंगे। सनलाइट देखो यार कितनी अच्छी आ रही है, धूप, मौसम अब ये थोड़े से दिन है, अब जो है ना मौसम बेस्ट हो जाएगा क्योंकि जो है ना सर्दियों के दिन आ रहे हैं, सितंबर जा रहा है, सितंबर की बस ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर आ जाना है, फिर जो है ना मौसम सेट हो जाएगा। जो है ना अब्दुल्ला तो गया हुआ है अब ऑफिस, तो बाबा भी गए हुए क्लिनिक, क्योंकि मैं एक घर अकेला था और मैंने सोचा कि यार आपको ये मैं बता दूँ कि मेरा जो है ना व्लॉग किस वजह से लेट हुआ, मैंने इस वजह से ये आज व्लॉग स्टार्ट किया है। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा आप लोगों ने मुझे बताना है, हम चैलेंज करेंगे 24 hours चैलेंज, ऐसे कोई मज़े का चैलेंज करेंगे, तुम लोगों को देखने में मज़ा है और हमको जो है उस ब्लॉग में करने में मज़ा है। यह कि यार जल्दी से जाकर मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में, उसमें जो भी मसला वगैरह होगा अगर के कोई ब्लॉग लेट आ गया कोई एक दो दिन बाद आना है वो भी मैं आपको स्टोरी लगा दिया करूँगा ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि वजह क्या है। इस वजह से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे फॉलो कर लो ताकि जो है ना तुम आप लोगों को जो है ना नोटिफिकेशन आ सके इंस्टाग्राम में कि ब्लॉग किस वजह से लेट आ रहा है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और उसमें जो है ना रील्स वगैरह आती हैं इंस्टाग्राम की वो भी आपको जो है ना मिल जाएंगे। यार हमारी जो है ना एक घास जो है ना ख़राब हो गई है, यहाँ से हमने जो है ना गाड़ी चढ़ाई थी इधर वो जो है ना सारा जो है ना उसको ख़राब हो गया, थोड़ी सी बेहतर हो गई है घास। और यार जो हमने जानवर वगैरह बांधे थे ना वो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, अभी भी मैं दिखा देता हूँ, अब तो इधर जो है ना वो आ गए हैं घास वगैरह बाहर आ गए, ये तो बहुत मज़बूत हो गया है, ये तो उतरता नहीं है, बहुत मज़बूत हो गया है, तो इसको क्रेन के साथ खींचना पड़ता है, ये तो बहुत मज़बूत हो गया, ये तो मिट्टी के साथ उसने जो है ना लोग लगा के अंदर बांधे थे जिसकी वजह से जो है ना खुले ना, तो वो भी बड़े मज़े का दिन था यार। जो ईद वाला जो था जब हम बैठ सोए थे बड़ा मज़ा आया था यार, सुबह सुबह जो हमने जो है ना पूरा जो है ना वह होती है जब हमने सारी देखी है सुबह किस तरह होती है, बड़े मज़े के साथ जो है ना अब्दुल्ला ही सोया था, मैं तो अंदर ही सोया था, अब्दुल्ला ने देखा था भाई नज़ारा,
हमने बाहर इधर ही जो है ना चार भी की थी इसी साइड पे, तो इधर हम सारे जो है ना लाइन बैस हुए थे, इधर हमने कूलर लगाया था। तो यार मौसम तो माशाल्लाह से बहुत बेस्ट हो गया, चेक करो। और यार हमने जो ये पौधे लगाए थे ना, आप देखो कितने ज़्यादा बड़े हो गए। ये हमको साल हो गया है, मैंने जो व्लॉग पिछला चैनल जो मेरा था ना वो डिलीट हो गया था मेरे से, उसमें मैंने 5-6 व्लॉग डाले थे, वो भी मतलब कि वो मेरा व्लॉगिंग चैनल था, उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं जो है कार्ड्स के लिए पीके बनाया और उसमें मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मेरी मेहनत को जो है ना भरपूर साथ देना है, ताकि जो है ना मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आ सकूँ और आपको इंटरटेन कर सकूँ। अगर आपको कोई चाहते हैं कि अच्छे से आप जो है ना चैलेंज व्लॉग लाएँ, कोई अच्छे अच्छे व्लॉग लाएँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आ सकता हूँ। तो यार अब तो ची 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 वो किधर बैठी है। तो यार ये अब तो जो है ना मौसम बेस्ट हो गया, जिसकी वजह से है ना पौधे वगैरह भी अब सही हो गए हैं। पहले तो इतनी धूप होती थी पौधे सारे सड़ जाते थे हमारे, हमारी तो घास सड़ गई थी जितनी धूप थी ना। अब तो मौसम जो है ना बेस्ट हो गया, अब शाम भी अब ठंडी हो गई, अब रात जो है ना रात को हमारे बड़ा सुकून होता है इस साइड पे, एरिया जो है ना ठंडा सारे ग्रीनरी वगैरह ना, जिसकी वजह से एरिया रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जो है ना हम तो पंखे चला के सोते हैं, अभी एसी हमारे जो है ना इधर बंद हो गया, हम एसी कम चलाते हैं, कभी कभी चला देते हैं। आज जो है ना सुबह सुबह गर्मी ज़्यादा थी तो हमने सुबह चलाया था, जो है ना शाम रात हमारी ठंडी होती है तो एसी चलाने का दिन नहीं जाता। अभी आप तुम लोग देख रहे हो हवा चल रही है, पौधे हिल रहे हैं, चेक करो, तो जिसकी वजह से इतना महसूस नहीं होता इधर गर्मी। तो हर एक एरिए का मतलब कि जो है ना वेदर है, अगर कोई अब हम बाजार वाली साइड पे जाएँ, रोड वाली साइड पे जाएँ, उधर गर्मी ज़्यादा है, जिधर हम ग्रीनरी वाली साइड पे आते हैं सोसाइटियाँ वगैरह जो है ना खुली होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उधर का जो है ना वेदर का ज़रा साफ होता है और तरीके का साफ होता है, ज़रा ठंडा होता है उधर वेदर। तो यार आज का व्लॉग यही था, अगर व्लॉग अच्छा चलोगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।